बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी और मेरे घर वालों की जानिब से दिली ईद मुबारक कबूल हो। ठीक है, आज ही हम रेसिपी बना रहे हैं रसमलाई की रेसिपी। ठीक है, रसमलाई की रेसिपी के लिए हमने दूध लिया है, ड्राई मिल्क लिया है, शक्कर ली है, बेकिंग पाउडर लिया है, एक छोटी इलायची है, बादाम पिसते हैं, अंडा है और घी है। ठीक है, कितनी कितनी क्वान्टिटी है, मैंने 1.5 किलो फ्रेश मिल्क लिया, इसको उबाल के रख लिया। ठीक है, 1 कप मैंने जो है ये सूखा दूध लिया है, 1.5 कप मैंने शक्कर ली है, 1 टीस्पून पूरा लेवल 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। अच्छा, 5 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, 1 अंडा लिया है और मैंने 1/2 कप भर के जो है वो बादाम पिस्ते कटे हुए लिए हैं, 1 टेबल स्पून मैंने भर के जो है वो जमा हुआ घी लिया है, 1/2 टीस्पून जो है वो लेवल ही पे थोड़ा मैदा लिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा दूध अच्छे से उबाल आ गया, उबल रहा है, अब हम इसमें 1.5 कप चीनी शामिल करेंगे और हमने इलायची को छीके और कूट लिया है, छिलके समेत शामिल करेंगे। ठीक है, और इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी चीनी जो है वो अच्छे से घुल नहीं जाती। अब हम अपनी इसकी डो तैयार कर लेते हैं। 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर इसमें शामिल कर लिया है। अब हम बेकिंग पाउडर, मैदा, घी पूरा 1 टेबल स्पून शामिल किया है। ठीक है, अब अंडा शामिल करते हुए पहले इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब हला इसमें शामिल करना शुरू कर देंगे। देखिए, हमने अपने डो को अच्छे से नीट कर लिया। ठीक है, अब हम जो है वो इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। साइज दिखाती जाती हूँ मैं आपको, किस साइज की हम इसको बॉल बनाएंगे। ये देखें, अच्छे से हमारा डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक है, हमने सब तैयार कर लिए। देखिए, हमारा दूध बिल्कुल खौल रहा है, इसमें हम 1-1 करके डालते जाएंगे और ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ऊपर आएगी, पहले हम 5 मिनट जो है वो इसको तेज आंच पे पकाएंगे। ये देखिए, ये जो है ना खुद ब खुद देखें ये सब ऊपर आना शुरू हो गया। हमने इसको कुछ नहीं करा, ये खुद ही देखे सब फ्लोट कर रही है। ठीक है, अब मैं 1 दफा चम्मच चलाती हूँ, अब मैं इनको हल्के से पलट दूंगी। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल फूल के सही हो गई, सबको मैंने हल्के हाथों से जो है वो पलट दिया। ठीक है, पास 5 मिनट और कुक करेंगे, उसके बाद चूल्हा बंद। अब हम इसमें थोड़े से जो है वो बादाम पिस्ते डालते हैं और बाकी जो है फिर हम इसको डिश आउट करके ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारी रेडी है। ठीक है, अब चूल्हा बंद, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट, माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी, मैंने आपको दिखाने के लिए रखी है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, लेकिन देखिए बीच पर कोई गुठली वगैरह कुछ नहीं है, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और ये देखें हमारी बड़ी प्रेजेंटेशन है, मैंने और बादाम पिस्ते सारे डाल दिए, इन्हें भी इसी में डाल दूंगी और चिल करके आप सर्व करें अपने मेहमानों को। कि हमारी मज़ेदार सी रसमलाइयाँ रही हैं, जैसे मैंने आपको चमचे से दिखाया भी है, कोई इसमें बीच में गुठली नहीं बनी है, बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार है।
उम्मीद है आपको रेसिपी जरूर पसंद आएगी, आप बनाएंगे। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।